हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जूनियर सिमांश में। आज हम लैंग्वेज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 25 तक इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और हम हिंदी भाषा के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये 26 नंबर वाला है। तो इसमें पूछा गया है ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि। जैसे शयन, नायक, पवन, नाविक, इनमें भी कौन सी संधि होगी? इसमें भी होगी अयादि संधि, इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रति प्लस छवि। प्रति छवि इसमें से कौन सी संधि है? तो प्रति छवि में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट है नील कमल में कौन सा समास होता है? तो नील कमल में कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास कैसे पता करेंगे? तो जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, परम आनंद, तो परम है जो आनंद, तो इसमें भी कौन सा समास होगा? इसमें भी होगा कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो इसके अंदर होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अब देखिए, जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। अब इसमें देखिए, आप समझ सकते हैं कि चतुर्भुज, तो इसमें क्या आ रहा है? पहला आ रहा है चतुर, यानी चार भुजाओं वाला, ठीक है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब उसका एक कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे सप्तसिंधु, चौराहा, नवरात्र, इसमें क्या है? सब में द्विगु समास है। नेक्स्ट है आपका त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है? फर्स्ट वर्ड त्रि, यानी संख्यावाचक शब्द है। नेक्स्ट है भला बुरा में कौन सा समास है? तो भला बुरा में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा द्वंद समास। कौन सा समास होगा? द्वंद समास। और द्वंद समास को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, नदी, नाले, तो क्या हो जाएगा? ये नदी और नाले। ऐसे ही हो जाएगा माता पिता, तो माता और पिता। ठंडा गर्म, तो ठंडा और गर्म, तो इसमें कौन सा समास होता है? इसमें द्वंद समास होता है। नेक्स्ट देखिए, महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। किसमें किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अधिक श्वास निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जब ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण कहलाता है, और कम निकलती है तो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अल्प प्राण किसे कहेंगे? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, या जिन वर्णों शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, या जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? अल्प प्राण हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। और अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? क, च, ट, त, प आदि, ठीक है। नेक्स्ट है महान का स्त्रीलिंग होगा, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा महती। महान का क्या हो जाता है? महती। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर? महती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेता का स्त्रीलिंग है,
तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। क्या होगा? नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। ठीक वैसे ही जैसे विद्वान का क्या होगा? विदुषी। लेखक का, लेखिका। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। क्या होगा? विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये गद्यांश है कि भारतीय नारी त्याग बलिदान साहस तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, सलाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनित प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता का निवास होता है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट 38 है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक क्या हो गया? भारतीय नारी होगा। क्या होगा? भारतीय नारी, क्योंकि इसमें क्या बताया गया? भारतीय नारी के गुणों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है भारतीय नारी के गुण, तो भारतीय नारी के गुण कौन कौन से हैं इसमें? तो है त्याग एवं शक्ति है, बलिदान है, साहस और सेवा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा था? तो नारी की शक्ति के आगे यमराज को हारना पड़ा था। किसको हारना पड़ा था? यमराज को। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास माना जाता है। तो देवताओं का निवास कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पे क्या, कौन निवास करते हैं? वहाँ पे देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप क्या होगा? तो नारी का रूप उसमें हो जाएगा लक्ष्मी का। क्या होगा? लक्ष्मी। नेक्स्ट, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो रात में विचरण करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है निशाचर। क्या कहा जाता है? निशाचर। नेक्स्ट देखिए, जो खाने योग्य ना हो, अब खाने योग्य जो नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे अखाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाद कहते हैं। जैसे गोमांस या कुछ भी कह सकते हैं खाने की वस्तु से जो भिन्न होता है तो वो क्या हो जाता है? अखाद्य हो जाता है। नेक्स्ट है जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? अनिकेत। क्या कहा जाता है? अनिकेत कहा जाता है, जिसके पास घर नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? अब देखिए गुस्से का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अमर्ष। कौन सा नहीं है? अमर्ष जो है किसका समानार्थी शब्द नहीं है? ये गुस्से का नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? अब देखिए मद का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है? तो वो है गर्व। कौन सा है? गर्व। देखिए इसको वापस देखिए 46 को, इसमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो इसमें होगा अपकर्ष। कौन सा होगा? अपकर्ष होगा, क्योंकि अपकर्ष का अर्थ क्या होता है? अवनति होता है। क्या होता है? अवनति। और जबकि क्रोध के पर्यायवाची क्या क्या है? अपमर्ष भी है, रोष भी है और क्रोध भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। नेक्स्ट है 47, इसमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो इसका हो जाएगा गर्व। क्या हो जाएगा? गर्व। नेक्स्ट है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। अब देखिए कि जिस के लास्ट में हट हो जाता है तो उसका लिंग क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है स्त्रीलिंग। कौन सा हो जाता है? स्त्रीलिंग।
जैसे घोड़ा शब्द पुल्लिंग है तो घोड़ी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब हट आ जाता है, ट आता है या वट आता है तो उसमें कौन सा लिंग होता है, तो उसमें स्त्रीलिंग होता है, जैसे सजावट, बनावट, चिकनाहट आदि। ठीक है, नेक्स्ट है 49। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पे स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। अब देखिए कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग देने कर देने से काला विशेषण का रूप बन जाएगा, ये बन जाएगा काली। क्या बन जाएगा, काली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली में कौन सा लिंग है, तो इसके अंदर स्त्रीलिंग है। किस कौन सा है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। अब देखिए इसमें कौन सा लिंग होता है, तो इसमें भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो। ठीक है, तो आप समझ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ही बता दिया स्त्रीत्व का बोध होता है, तो हम उसमें कौन सा लिंग होगा, तो उसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन के क्या रूप होता है। अब सौदा का क्या रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है हिंदी में मैं का बहुवचन होता है, हम दोनों, हम सब या हम लोग। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा हम। मैं का क्या हो जाता है, हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। देखिए कुछ शब्द भावना के कारण बहुविध बहुवचन में ही आते हैं, या व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, या कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, या बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, कथन है। नेक्स्ट है चरण कमल बंधु हरि राई, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है, क्योंकि चरणों की तुलना किससे की जा रही है, चरणों की तुलना की जा रही है कमल से। किससे की जा रही है, कमल से। देखिए क्या कहा जा रहा है कि चरण कमल बंधु हरि राई, तो यहाँ पे किसकी व्याख्या किससे हो रही है, चरण की व्याख्या की तुलना किसे की जा रही है, कमल से की जा रही है। नेक्स्ट है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन वाक्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। फर्स्ट, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, या इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, या इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो इसके अंदर समास होगा बहुव्रीही समास। कौन सा होगा, बहुव्रीही समास हो जाएगा इसमें। इसमें जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं महात्मा, तो महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊँची आत्मा वाला। ठीक है, नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिसका, अर्थात क्या होंगे, शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुव्रीही समास के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास होता है। तो अनुरूप में कौन सा समास होता है, तो इसमें होता है अव्ययीभाव
समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। नेक्स्ट है यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? यथा प्लस उचित। क्या होगा? यथा प्लस उचित। नेक्स्ट है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा, तो विद्यार्थी में पहले तो कौन सा संधि है? तो इसके अंदर है दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। और इसका सही विच्छेद क्या हो गया? विद्या प्लस अर्थी। क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सा स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट देखिए नाविक का सही विच्छेद है, तो नाविक का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा नाविक का नो प्लस एक। क्या हो जाएगा? नो प्लस एक, तो ये नाविक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार का संधि विच्छेद होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अ प्लस हार, तो ये क्या हो जाएगा? व्यवहार। और यहाँ पे कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पे संधि प्रयुक्त हुई है यण संधि। कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यण संधि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस अवधान। क्या होगा? स प्लस अवधान। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और इसका सही हो जाएगा स प्लस अवधान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फर्स्ट है आयुष और ऋचा बाजार गई, सेकंड है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, थर्ड है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, या फोर्थ बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसका राइट आंसर होगा राह चलते दोनों में तकरार हो गई। वाक्य शुद्ध वाक्य है। अब देखिए इसमें क्या बोला, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, तो आयुष और ऋचा बाजार गई ये गलत हो गया। ठीक है, राह चलते दोनों में तकरार हो गई ये सही है, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है ये भी गलत है, बच्चे ने कहा पापा आ गई तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राह चलते दोनों में तकरार हो गई। नेक्स्ट है इसमें भी हमें किसका चयन करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका चयन करना है? शुद्ध वाक्य का। फर्स्ट है गंगा पानी उबाल कर पिए, सॉरी गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फर्स्ट है ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह आदमी सबकी राज जानता है, यह बीज अंकुरित होने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हो गए। ठीक है, बाकी सब क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। 70 में है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आंसू पीकर रहने का मतलब क्या होता है? चुपचाप दुख सह लेना। क्या होगा? चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंधी आवी बैठ गवावे लौकती का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विपरीत परिस्थिति में भी उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब परीक्षा की तिथि ज्ञात होने पर भी हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी न करना आंधी आवे बैठ गवाने के समान ही है, क्योंकि हम उसका इंतजार करते रहते हैं और बाद में हम
पछताने लग जाते हैं। नेक्स्ट है किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना क्या होता है? बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या होगा? बहुत अधिक पढ़ने वाला। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका उपयुक्त अर्थ होगा सारा भेद खोल देना। क्या होगा? सारा भेद खोल देना। 74 है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किसी और का ना रहना। क्या होगा? किसी और का ना रहना। नेक्स्ट है भई गति साप छछुंदर केरी लोकते का अर्थ होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर? अपने को खतरे में डालना। क्या होगा? अपने को खतरे में डालना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना लोकते का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव करना। नेक्स्ट है मूर्त शब्द का विलोम। अब मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो उसका हो जाएगा अमूर्त। क्या हो जाएगा? अमूर्त। ठीक है। नेक्स्ट है सम शब्द का विलोम, खसम, भसम, विषम या कसम। तो इसका हो जाएगा विषम। सम का क्या हो जाता है विलोम? विषम। नेक्स्ट देखिए लोक शब्द का विलोम है, तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक का हो जाता है परलोक। क्या हो जाता है? परलोक हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मुख शब्द का विलोम। अब सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा सम्मुख का। वक्ता शब्द का विलोम शब्द आयोजक, प्रायोजक, श्रोता या व्याख्याता। तो इसमें हो जाएगा कि वक्ता का क्या हो जाएगा? इसका होगा श्रोता। वक्ता का क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? अब नम का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए फर्स्ट है गीला, भीगा, आद्रा या आद्र। अब इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आद्रा, क्योंकि आद्रा क्या होता है? नम के सभी पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो इसका होता है गीला, तर, आद्र, भीगा हुआ। और आद्रा का शब्द संस्कृत का तो ये होता है 27 नक्षत्रों में से आषाढ़ के आरंभ में पड़ने वाला छठा नक्षत्र। और इसमें क्या होती है? इसमें वर्षा और खेती का होना अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? अब डर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो इसमें है त्रास। क्या है? त्रास। त्रास का मतलब क्या होता है? दुखी या दुखी होना, दुख होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? अब कुशल का पर्यायवाची कौन सा है नहीं है इसमें से? तो इसमें होगा अक्ष। क्या होगा? अक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए द्विज, खग, पंथी या विहग। तो इसमें हो जाएगा पंथी। क्या होगा? पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? उत्साह, बरखुरदार, अपसार या स्तुति। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि निंदा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो निंदा के पर्यायवाची होते हैं दोषारोपण, फटकार, बुराई या भर्त्सना। जबकि स्तुति यहाँ पे किसका अर्थ दिया हुआ है? तो स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव होगा? तो इसमें होगा उजास। कौन सा होगा? उजास। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट किशन। कौन सा हो जाएगा? किशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दृष्ट, पृष्ठ, पानीप या पंख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीप। पानीप क्या होता है? पानीप होता है तद्भव शब्द। कौन सा होता है? तद्भव।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अभी हम तत्सम देख रहे थे, अब क्या देखेंगे, तद्भव नहीं है। तो तद्भव कौन सा नहीं है, तो इसमें है तद्भवी। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तद्भव क्या होता है, स्वयं में ही तत्सम शब्द होता है। कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर उलझन। क्या हो जाएगा, उलझन। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें है अपना आत्म। क्या होगा, अपना आत्म, क्योंकि अपना का तत्सम शब्द क्या होता है, आत्मन होता है। क्या होता है, आत्म। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है, तो इसमें आएगा गर्व है। क्या होगा, गर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है, तो व्याल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा दुर्गा। क्या आ जाएगा, दुर्गा। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा देखिए कर्कश का मधुर सही है, ऐश्वर्य का नैश्वर्य ये भी सही है, ऋतु का वक्र सही है, पर एही का लौकिक गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है। अब अशुद्ध पर्याय शब्द कौन सा है इसमें से, तो इसमें से है पीयूष, सुधा और द्रंग। क्या है, पीयूष, सुधा और द्रंग, क्योंकि पीयूष और सुधा तो किसका पर्यायवाची है, अमृत का है, पर जब द्रंग है वो किसका है, ये आँख का पर्यायवाची है, तो इसका फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कि जो आमिष नहीं खाता वो सामिष होता है, ये गलत है, क्योंकि जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता वो उसे क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए, तो इसमें आ जाएगा देखिए फर्स्ट है ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तुम पढ़ोगे पढ़ाओगे और ना वह पढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं, सॉरी इसमें ये नहीं नहीं आएगा, शर्मिंदा होना है, तो इसमें आएगा पानी पानी होना। क्या हो जाएगा, पानी पानी होना। नेक्स्ट है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।